नमस्कार मित्रों, यदि आप एईपीएस संचालक हैं तो आधार कार्ड से निकासी करने वाले रिटेलर के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बता दें एनपीसीआई की तरफ से एक नया बदलाव किया गया है जो कि 1 नवंबर 2024 से नियम पर नियम लेकिन इंसाफ रिटेलर को नहीं मिला। इतना नियम बदल रहा है ये लोग कि कहने का बात नहीं। जैसे कि हाल ही में आपने सुना होगा कि डीएमटी पर मनी ट्रांसफर पर ई केवाईसी सिस्टम होगा, यानी कि बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए ई केवाईसी की जरूरत होगा। वहीं पर आधार निकासी पर 1 नवंबर यानी कि आज के दिन से ही सभी पोर्टल पर लगभग लाइव हो चुके हैं, फिर आप जिस भी कंपनी का आईडी चलाते हैं उस पर लाइव हो जाएगा। तो आधार कार्ड निकासी पर क्या नया अपडेट आया है सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एईपीएस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैनल इजी केस फैन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन है सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप एक सीएससी संचालक हैं, एईपीएस संचालक हैं, आधार कार्ड से ऑनलाइन का काम करते हैं, एईपीएस चलाते हैं, तो वैसे में यह चैनल आपको सब्सक्राइब करके जरूर रखना चाहिए। चलिए जानते हैं कि एईपीएस पर नया अपडेट क्या आया है। जैसा कि पहले स्क्रीन पे मैं देता हूं, जैसा देख रहे हैं आधार कार्ड से निकासी के ऊपर कुछ इस तरह का एरर का सामना आपको अब करना पड़ेगा। यानी कि ये एरर का क्या मतलब है, रजिस्टर्ड लोकेशन से ही आपको अब जो है एईपीएस कर पाएंगे। यानी कि आपका दुकान जहां पर है, आपने जिस भी लोकेशन से जो है आईडी ले रखी है, ऑनबोर्डिंग हुआ है, वहीं पर केवल ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। यदि 20 किलोमीटर से अधिक का ट्रांजेक्शन दूरी होता है तो वैसे में ट्रांजेक्शन अब आप नहीं कर पाएंगे। कुछ इस तरह का एरर देगा जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये एरर तो आ रहा है लेकिन हमारे पोर्टल पे नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पोर्टल पे भी जल्द आने वाला है क्योंकि कुछ कंपनियां अभी तक लाइव हो सकता है कि नहीं, जियो टैगिंग सिस्टम लाइव नहीं किया हो, लेकिन एनपीसीआई का मैं ये सर्कुलर दिखा देता हूं। जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एनपीसीआई के द्वारा एकदम बिल्कुल क्लियर दे दिया गया है कि जियो टैगिंग सिस्टम रहेगा। अब सभी मेंबर बैंक और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बीसी को यह कहा गया है कि भाई जो भी रिटेलर ऑनबोर्डेड है जिस भी लोकेशन से है वो उसी लोकेशन में 20 किलोमीटर के अंदर कर सकता है।